नमस्कार, डीबी न्यूज की खास खबरों में आपका स्वागत है। बिहार में बीच रास्ते पर दो शिक्षकों के बीच मारपीट का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में दिख रहा है कि दो लोग यानी दोनों शिक्षक एक दूसरे को पीट रहे हैं। वायरल हो रहा वीडियो नालंदा के हिलसा का बताया जा रहा है। ये दोनों शिक्षक राम बाबू हाई स्कूल के हैं। घटना बीते मंगलवार की है। मारपीट के पीछे की जो वजह सामने आई है वो चौंकाने वाली है। आपको बता दें कि मंगलवार की सुबह 8:30 बजे स्कूल के कुछ शिक्षक और बच्चे स्कूल पहुंच गए थे। उस समय विद्यालय का गेट नहीं खुला था, सभी गेट खुलने का इंतजार कर रहे थे। इसी दौरान रामबाबू हाई स्कूल में कार्यरत सामाजिक विज्ञान के शिक्षक रविंद्र प्रसाद वहां पहुंच गए, फिर विज्ञान के शिक्षक अवधेश प्रसाद भी पहुंचे। दोनों के बीच ताला खोलने को लेकर ही विवाद हो गया और मारपीट शुरू हो गई। बताया जाता है कि स्कूल के प्राचार्य छुट्टी पर हैं, शिक्षक अवधेश प्रसाद ही प्रभार में है। देखते ही देखते दोनों शिक्षक आपस में भिड़ गए, गाली गलौज के साथ साथ पटका पटकी कर दी, लात घूंसे और चप्पल जूते से एक दूसरे को मारने पीटने लगे। मौके पर मौजूद स्कूल के अन्य शिक्षक आगे आए और बीच बचाव कर मामले को शांत करवाया गया। मारपीट के दौरान मौके पर मौजूद लोगों में से कोई बीच बचाव कर रहा था तो वहीं कुछ लोगों ने वीडियो बना लिया जो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वहीं सवाल उठता है कि शिक्षक का मंदिर जब जंग का अखाड़ा बन जाए और उसके खलनायक शिक्षक हो तो वहां के बच्चों का भविष्य क्या होगा। इस मामले में स्कूल के प्राचार्य संजीव कुमार से बात की गई। उन्होंने बताया कि हम अवकाश पर हैं, शिक्षकों के बीच झगड़ा होने का मामला संज्ञान में आया है लेकिन कारण पता नहीं चल सका है। वहीं प्रखंड पदाधिकारी नीतेश कुमार रंजन ने बताया कि मामला मेरे संज्ञान में नहीं है, पता कर जांच पड़ताल की जाएगी।